इस बार सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद मंडियों में शुरू करने का ऐलान किया था और अम्बाला अनाज मंडी में हैफेड द्वारा गेहूं की खरीद की जानी थी, लेकिन आज मंडी में पहुंचकर देखा गया अभी तक कोई भी किसान मंडी में अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा है, जबकि अधिकारियों द्वारा पूरी तैयारियां की हुई हैं। गेट पर टेंट लगाकर किसानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। किसानों को पर्ची देने के लिए कर्मचारी बैठे हुए हैं। गेहूं की खरीद करने के लिए हैफेड के अधिकारी भी मंडी में बैठे हैं। इस बारे में जब मार्केटिंग बोर्ड अम्बाला छावनी के सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी में नहीं आया है। अम्बाला छावनी मंडी में गेहूं की खरीद हैफेड के द्वारा की जाएगी। खरीद के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मंडी की साफ सफाई कर दी गई है, किसानों के बैठने का प्रबंध किया हुआ है, पानी की उचित व्यवस्था की हुई है। जिन किसानों ने पोर्टल पर अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन की हुई है वह पास गेट लेकर मंडी में आएंगे और अपनी फसल देंगे। लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आज से गेहूं की खरीद स्टार्ट है। अभी तक मंडी में कोई किसान आया नहीं, जैसे ही आएगा हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे गेट पे आते गेट पास कटते कंट्रोल रूम तैयार है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह सारे साफ हैं, स्पेस हमारे पास काफ़ी है, दोनों कवर सेट बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, स्टाफ हमारा पूरा मुस्तैद है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, यो इस बार थोड़ी सी मौसम बीच में ठंडा रहा नहीं, उसकी वजह से लेट है 2-4 दिन। हमें तो उम्मीद है कि आज से ही शुरू हो जाएगी, इसी वजह से हम बिल्कुल तैयार हैं। कितना टारगेट रखा है? हमारे लगभग 1.5 लाख क्विंटल के लगभग का टारगेट है पिछली अराइवलों को देखते हुए। बिल्कुल गेट पे आएंगे, गेट पे हमने टेंट लगाया किसानों के लिए, वहाँ कुर्सी है, ठंडा पानी है, आते ही उनको गेट पास इशू करेंगे, वो अपना लेके मंडी में जाएंगे और जब भी ऑक्शन होगी, ऑनलाइन ऑक्शन होती है, उस टाइम गेट पास की एंट्री के साथ उनका माल बिकेगा। जब शुरुआत हो जाएगी तो आउटगोइंग भी हम वहीं से ऑनलाइन जारी करेंगे।